हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे गाइस, और बहुत बढ़िया रहना भी है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस बार टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर वीडियो लेकर के। जो मैं आज ये वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ, ये लीजेंड पल से ऑलरेडी यूज़ करते हैं, इसीलिए वो लीजेंड है। वो काफ़ी खतरनाक खेलते हैं, आप लोग देखे होंगे, कई कई बंदों को हैकर भी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उनके पास टिप्स होता है और ट्रिक्स होता है और स्किल्स होते हैं और प्रैक्टिस होता है। तो गाइस, जब तक आपके पास ये तीन चार चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक आप लीजेंड नहीं बन पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने यही चीज़ बताने की पूरी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से टिप्स कहाँ कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और काफ़ी खतरनाक है भाई ये टिप्स। जो भी बंदा इस टिप्स को फॉलो करेगा, उसको बहुत जल्द इंप्रूवमेंट दिखेगा। खास करके ये वीडियो को बिगनर्स पूरी तरीके से देखे, पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग के लिए ज़्यादातर है, लीजेंड बंदे तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो गाइस, चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट टिप्स के ऊपर, लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग का टिप नंबर वन है एरो। तो हम लोग को एरो क्या है मैं बता देना चाहता हूँ गाइज। यहाँ पे आप लोग इजी तरीके से देख सकते हो, जब भी कोई बंदा हम लोग पर रश करता है या काफ़ी दूर होता है, वो हम लोग के पास आता है, तो हम लोग को एक रेड रेड कलर का एक एरो बनता है, एरो बनता है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग एरो। तो उस एरो का इसमें क्या रोल है, तो यहाँ पे आप लोग छोटा सा क्लिप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो है, जो ये एरो पे मतलब मेरे को पता चल चुका है कि यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो चुका हूँ, जो कि मैं वहाँ फाइट कर रहा था। तो जैसे ही ये बंदा आता है, मैं इसको ईजी किल कर पाता हूँ। तो ये चीज़ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको एरो को फॉलो करना है। यहां पे भी देख सकते हो गाइस, मैंने एरो फॉलो किया, एरो फॉलो करने के बाद मैंने डायरेक्ट वहां पे गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। सामने वाला बंदा मेरे पे फायर नहीं किया, मैंने लेकिन एरो पे फायर किया, जिसकी वजह से उसको डैमेज मिला, इसी वजह से वो जल्दी किल हो पाया। और वही अगर बंदा वो मेरे साथ ऐसा करता, एरो पे आकर के मेरे को मारता, तो वो मेरे को इजी किल कर पाता। तो गाइस, आप टिप्स नंबर टू देख सकते हो, यहां पर मैंने रखा है क्राउच। गाइस, क्राउच भी बहुत ही खतरनाक एक टिप्स है। क्राउच आप मतलब कि कहीं भी अगर आप बैठ जाते हो, तो आपको सबसे पहले तो हेड नहीं लगेगा, दूसरा आपको डैमेज बहुत कम मिलेगा। तो आप ये मत देखो कि कहीं भी मतलब हवे में नहीं बैठ सकते, आपको थोड़ा तो सरफेस चाहिए बैठने के लिए, तो आप कहीं भी थोड़ा सा भी जगह मिलता है ना, वहाँ बैठ जाओ, जिसकी वजह से आपको बंदा किल करने की कोशिश करेगा, जल्दी डैमेज नहीं कर पाएगा। जैसा कि इस क्लिप में आप लोग देख सकते हो, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी 10 की HP है, फिर भी बंदा मेरे को नहीं मार पाया, क्योंकि मैं क्राउच था। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं क्राउच हूँ, इसको ईजी तरीके से किल कर गया। क्राउच का एक और सबसे बढ़िया फायदा है कि आपका एम जो है वो लॉक हो जाता है, आप अच्छे से एम बना पाते हो। तो गाइज, हम लोग टिप्स नंबर थ्री पे चलते हैं। टिप्स नंबर थ्री है आप कवर। कवर गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। कवर बहुत सारे बंदे नहीं लेते, लेकिन लीजेंड बनते हमेशा कवर में रह करके खेलते हैं। आप लोग ओपनली खेलते हो, कहीं भी हवे में उड़ करके खेलते हो, या फिर ओपनली कहीं भी बैठ जाते हो, जो भी मतलब करते हो, लेकिन कवर नहीं यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे जो पत्थरें बनी है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो पत्थर बना है वो कवर का ही काम करता है। जो भी इतने सारे पत्थर शो ऑफ के लिए नहीं लगे हैं, हम लोग को देखने के लिए नहीं लगे हैं गाइज, इसमें आपको कवर मिलने के लिए लगा है। तो आप वहाँ पत्थर के पास बैठ सकते हो, वॉल का भी कवर ले सकते हो। जैसे आप, मैंने वॉल का कवर लिया है, बंदा मेरे पे गोली मारने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी गोली एक भी लग नहीं रही, क्योंकि मैं कवर में हूँ। जैसे ही ये रिलोड पे जाता है, मैं तुरंत इसको रश कर देता हूँ और मैं इसको इजी कर लेता हूँ, इजी किल कर लेता हूँ। तो गाइस, इस टिप्स को भी आप फॉलो करो, हमेशा जितना हो सके कवर में रह के खेलो। चलो फिर चलते हैं टिप नंबर फोर। टिप नंबर फोर है यूज मिली। तो गाइस, यूज मिली का मतलब ये कि हम लोग जो मुक्के मारते हैं ना, मिली मतलब वो होता है। तो बहुत सारे बंदे मिली का सही यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिली का सही यूज ये है कि आप हवा में भी मिली यूज करोगे तो भी उसका फायदा है, और अगर आप जमीन में भी मिली यूज करते हो तो भी उसका फायदा है, और बंदे के पास भी मिली यूज करते हो तो उसका भी फायदा है। मैं बताता हूँ तीनों फायदा कैसे है। अगर आप हवा में मिली यूज करते हो, तो आपकी जो जाने की स्पीड होगी, दौड़ने की स्पीड होगी, वो फास्ट हो जाएगी। और आप जमीन पर बैठे बैठे या खड़े खड़े भी मिली यूज करते हो, तो आपकी वहां पर भी स्पीड फास्ट हो जाएगी। और दूसरा, तीसरा, अगर आप किसी बंदे के पास मिली यूज करते हो, तो उसको डबल डैमेज मिलेगा। जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो, इस बंदे के पास डुअल उजी और मेरे पास सिंगल उजी है, लेकिन मैं यहाँ पे मिली यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इजी किल कर पाया। ऐसे ही आप लोगों को करना है, कोई बंदा अगर आपके क्लोज आ जाता है, तो आपको मिली करना है यूज, मुक्के मारने से उसको डबल डैमेज मिलेगा। पहला तो आपको एमो का, दूसरा आपको मुक्के का, तो इससे आप किसी भी बंदे को इजी फास्ट किल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, मिली यूज करने के लिए या तो आपको थ्री फिंगर खेलना पड़ेगा या तो फोर फिंगर खेलना पड़ेगा। मैंने बेस्ट क्लॉज सेटिंग्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर शो कर रहा होगा, तो आप वो वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, और सेम क्लॉज सेटिंग रख सकते हो आप भी, तो आप भी बहुत अच्छा खेल सकते हो। चलो फिर चलते हैं टिप नंबर फाइव पे। हम लोग टिप नंबर फाइव यहाँ पर है नेडरस। नेडरस का मतलब है कि आपको बॉम्ब फेंकते ही तुरंत रश करना है। जब आप किसी भी एनिमी पे बॉम्ब फेंकते हो, तो उसके पास दो ही कंडीशन होता है, वो घबरा जाता है, तो वो दो ही कंडीशन यूज करता है। सबसे पहला या तो वो क्राउच रहेगा, या तो फिर उठ के भागने की कोशिश करेगा, अपना कवर छोड़ेगा। तो दोनों पे ही आपको फायदा है। अगर वो क्राउच में बम फूटता है, तो उसको हेल्थ तब भी डाउन होना है, और वो उठ के भागता है तब भी उसका हेल्थ डाउन होना है, या तो किल हो जाना है। और अगर आप इस कंडीशन पे डायरेक्ट तुरंत रश कर जाते हो, तो रश करने पे आप एक या दो बुलेट में एनिमी को ईजी किल कर पाते हो। तो
गाइज यही है नेड्रेस। आप लोग यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप में देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेड्रेस कैसे किया है। दो बंदे यहाँ फाइट कर रहे थे, उन दोनों के बीच में मैंने नेट फेंक दिया और डायरेक्ट रश कर गया। बाई चांस अगर वो नेट से नहीं फूटते तो हेल्थ तो उनकी डाउन होती, तो मेरे पास बुलेट गन थी, बुलेट में दो तीन बुलेट में इजी किल कर लेता। यहाँ पे भी मैंने नेट फेंका और ये बंदा कंफ्यूज हो गया, भागू या क्राउच हो जाऊँ, लेकिन ये भागने से ही समझा जिसकी वजह से ये फूट गया। और यहाँ तो भाई गजब ही हो गया, मैंने यहाँ पे भी नेट फेंका और ये बंदा भागने लगा, जिसकी वजह से मैं इजी दो चार गोली में इसको अच्छे से किल कर लिया। तो गाइज यही है नेड्रेस, नेड्रेस का मतलब सेम यही था, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ये तो पार्ट वन थी, अब पार्ट टू भी हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो पहले ढेर सारा प्यार इस पर तो दिखा दो यार। और अगर कोई भी बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ हम लोग के चैनल पर आती रहती है। और भाई वीडियो का लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।